हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा और दो आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, टाटा ने हाल ही में अपनी गाड़ियों में जेट एडिशन को लॉन्च किया था। ये इनकी कुछ प्राइम प्रमुख एसयूवीज हैं। इसमें इन्होंने पंच को इस बार शामिल नहीं किया था। लास्ट टाइम जब काजीरंगा एडिशन आया था तब पंच भी थी, बट इट वॉज मोरली फॉर नेचर, ह्यूमैनिटी, और एक चैरिटी का भी वो बन जाता है। क्योंकि आप उस गाड़ी को लेते हैं तो कुछ हिस्सा काजीरंगा एडिशन में जाता था, काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि वन हॉर्न राइनोसॉरस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे जो इन्होंने जेट सीरीज निकाला है, वो नाम से ही आप समझ रहे हैं, एक आपको बिजनेस क्लास एरोप्लेन, चार्टर्ड प्लेन, जेट प्लेन का एक्सपीरियंस देने के लिए कि आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, बट आपको ऐसा लगेगा कि आप एक जेट प्लेन में जा रहे हैं। इसलिए इन्होंने पंच को नहीं रखा। पंच थोड़ा सा लो रेंज का प्रोडक्ट है इसीलिए, और अगर उसे शामिल कर दे तो पंच की तो वैल्यू काफ़ी बढ़ती, बट जो महंगे प्रोडक्ट्स है, सफारी, हैरियर, निक्सॉन, थोड़ा उनके लिए डाउनग्रेड फील होता। खैर, कलर स्कीम बहुत अच्छी है। कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जो कि आपको प्रीमियम मिलते हैं, कंफर्ट ओरिएंटेड है। उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है, मैकेनिकल या कोई भी कॉस्मेटिक चेंजेस हैं मेनली, बट आई एम प्रीटी इम्प्रेस जो इनकी स्ट्रैटेजी है प्रोडक्ट को फ्रेश रखने के लिए, और काफ़ी अच्छा ही एक्सपीरियंस दे रहे हैं। और प्राइसिंग की बात की जाए तो लगभग डार्क एडिशन से सस्ते ही हैं, और मुझे अभी तक के बेस्ट एडिशन इनके लगे हैं काजीरंगा और जेट एडिशन। थैंक यू।